make their CVs, resumes to get hired, or to get, internships and jobs at your dream companies. Like, who doesn't want that? A lot of our students, graduates, undergraduates face the label of CV rejection because it doesn't match the standards of hiring companies. Today, if you come across any problem, follow the chat and drop us your questions there. And do not forget to raise your hands because ma'am personally likes interactive sessions. Technically, you have rightly chosen to come today in our session because we have got your back. Our honorable guest speaker for today is ma'am Tuba Mohsen. She is a senior software engineer, software developer, and software engineer at Folio 3 Company and is also a program manager at Tech Karo Circle. And I have been under her mentorship in Tech Karo, and she has been an exemplary personality in front of me always. Hello, ma'am. Welcome. You have the floor now. Thank you so much, Fatma, and thank you everyone from the DSC team for inviting me. So Fatma briefly introduced me. Mera naam Tuba hai, and I'm working as a senior software engineer at Folio 3. It's been around 4 years at Folio 3, not at Folio 3, but in the tech industry overall. एंड उसके साथ साथ आई वर्क एट सर्किल एज अ टेक करो प्रोग्राम मैनेजर. तो अगर मैं क्विकली ब्रीफली आपको बताऊँगी वॉट टेक करो इज़. सो बेसिकली टेक करो इज़ अ प्रोग्राम जिसमें हम स्टूडेंट्स को डिजिटल स्किल्स सिखा रहे होते हैं. सो बेसिकली टू अप स्किल स्टूडेंट्स, ताकि जो आजकल के इन डिमांड टेक स्किल्स हैं, हम उसमें स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं. सो इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम एंड इसमें हम सिर्फ स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखा रहे होते, बट वी ट्रेन देम इन सॉफ्ट स्किल्स, वी कनेक्ट देम विद डिफरेंट मेंटर्स, एंड वी हेल्प देम टू गेट द जॉब, टू किक स्टार्ट देयर करियर बेसिकली. सो इन लास्ट 3 years वी आर डिलीवरिंग दिस टॉक लाइक सी वी, रेज्यूमे आपको किस तरह लिखना है, हाउ टू गेट सेलेक्टेड इन इंटर्नशिप्स, एंड किस तरह आप जो हैं लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं टू हंट योर फर्स्ट जॉब. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज लेसन्स दैट जो हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं. सो आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज टिप्स एंड ट्रिक्स एज यू मे से, और किस तरह आप जो हैं अपनी you can actually make a CV that will stand out among all the other CVs. So let me quickly share my screen. I hope it's visible. जिस तरह फातिमा ने कहा कि आई वॉन्ट दिस सेशन टू बी इंटरैक्टिव, ठीक है, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं बोलती रहूँ और आपकी तरफ से कोई इनपुट ना आए, सो आई थिंक थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा. सो आई वॉन्ट दिस सेशन टू बी इंटरैक्टिव. आई थिंक जितना इंटरैक्टिव होगा, जितना आपके, क्योंकि सिंस यू आर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और वो ट्राई कर रहे होंगे इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स के लिए. तो इट्स गुड कि आप अपने जो हैं क्वेश्चंस पूछें. मे बी यू कैन रेज द हैंड और टाइप इट आउट इन द चैट. सो मुझे चैट जो है वो नज़र नहीं आ रही. सो आई वुड लाइक कि अगर कोई भी टीम मेम्बर वो मुझे बताता रहे कि अगर कोई क्वेश्चन आया है चैट पर, सो इट वुड बी वेरी नाइस. ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट. सो क्विकली जस्ट टू अंडरस्टैंड के आज के पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है, आई एम अज्यूमिंग के ज़्यादातर जो हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ईदर थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम सून विल बी ट्राइंग टू गेट अ जॉब, या वो इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे होंगे, एंड फॉर दैट ये हम सेशन कर रहे हैं. सो आई एम अज्यूमिंग कि हमारे पास जो हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं. अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो दे कैन राइट इट इन द चैट, ताकि मुझे पता चले कि हमारे पास और कौन कौन से लोगों ने ज्वाइन किया है. सो व्हेन वी फर्स्ट, सिंस हम अपना करियर किक स्टार्ट करने इस सेशन में आए, कि वी आर ट्राइंग टू मेक अ सीवी जिसकी वजह से हमारा करियर जो है वो स्टार्ट हो. सो व्हेन वी थिंक अबाउट अ करियर और स्टार्टिंग अ करियर, कैन एनीवन टेल मी, मे बी इन द चैट, दैट व्हाट आर द स्टेप एसोसिएटेड विद इट, व्हाट डू यू नीड टू डू जब आप अपना करियर जो है एक्चुअली में स्टार्ट कर रहे होते हैं. I'm also looking at the chat. क्या अगर कोई चैट हैंड रेज, ठीक है. अच्छा फातिमा, लेट मी नो अगर मेरी आवाज़ प्रॉपरली ना आ रही हो.
Ma'am, it's all right. It's all right at everyone's hand except for. ठीक है ठीक है, परफेक्ट ठीक है. सो मैं अभी जो है उसका आंसर दे देती हूँ, बट आई वुड लाइक कि आप चैट पे जो है इंटरेक्ट करें. सो व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, एटलीस्ट फॉर मी, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 4 साल पहले, सो देर वर सम सीरीज ऑफ स्टेप. एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है, एंड द फर्स्ट वन इज रिसर्च. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, यू शुड रिसर्च कि आपने करना क्या है एक्चुअली. क्या आपने जो है इंटर्नशिप करनी है, क्या आपने जॉब करना है. अगर आपने इंटर्नशिप एंड जॉब करना है तो ठीक है, आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, आपने किस तरह का जो है काम करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिसर्च अबाउट द करियर दैट यू वॉन्ट टू बी इन. ठीक है, एंड द सेकेंड स्टेप इज़ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू नो दैट आपने करना क्या है अपने आगे करियर में, देन यू विल प्रिपेयर योर सीवी. एंड जितना मैंने बड़ा सर्कल बनाया है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल दिस स्टेप इज़ टू प्रिपेयर योर सीवी, राइट. एंड मे बी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में बात आए कि सीवी बनाना आई थिंक फर्स्ट काम होना चाहिए, बट फॉर मी आई थिंक प्रिपेयरिंग योर सीवी शुड बी सेकेंड स्टेप, बिकॉज आपकी सीवी आप उसी तरह डिज़ाइन करेंगे जब आपको पता होगा कि आपने इंटर्नशिप करनी है और आपने जॉब करनी है, या आपने किस तरह की जॉब करनी है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रिसर्च पहले करें एंड देन आप अपनी सीवी पे सेकेंड पाएँ, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आई थिंक विजुअली भी नज़र आ रहा है, राइट. एंड देन द थर्ड स्टेप इज़ टू सेंड योर सीवी एक्चुअली. ठीक है, आपने अपनी सीवी बना ली, इट्स कम्प्लीटली रेडी, नाउ यू सेंड इट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये एक अलग डिबेट है कि वेदर यू शुड सेंड द सेम सीवी टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन और यू शुड कस्टमाइज द सीवी फॉर ईच वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इस पर हम बाद में बात करेंगे, बट योर थर्ड मेजर स्टेप इज़ टू सेंड आउट द सीवी. एंड कोई मुझे बताएगा इफ़ पॉसिबल ऑन द चैट, और यू मे रेज योर हैंड एज वेल, कि अगर आपने सीवी बना ली एंड सीवी सेंड कर ली, क्या इसके अलावा कोई और स्टेप होता है इनिशियल स्टेप्स में? ऑलराइट, सो द फाइनल स्टेप फॉर मी इज़ कि आप द सीवी सेंड तो कर ली, नाउ द फाइनल स्टेप इज़ टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप येस, समवन सेट द चेकिंग अपडेट एंड वेटिंग फॉर द रिप्लाई. येस, वेट फॉर द इंटरव्यू. सो वेट फॉर द इंटरव्यू इज़ सिमिलर टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो आप सीवी इसीलिए सेंड करते हैं ताकि आपको कॉल आए इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इट और नॉट. लेकिन मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं सीवी सेंड करती थी, आई चेक माई फ़ोन टाइम एंड टाइम अगेन कि कहीं कोई मैसेज या ईमेल तो नहीं आई, कहीं कोई कॉल तो नहीं आई किसी ऑर्गेनाइजेशन से जिस मैंने सेंड की थी. सो द फाइनल स्टेप, देर आर अ लॉट ऑफ स्टेप, लेकिन जो जो मेजर स्टेप है दैट इज़ टू गेट अ कॉल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड दैट इज़ द फर्स्ट माइल स्टोन दैट यू अचीव वाइल स्टार्टिंग योर करियर. ठीक है, क्योंकि अगर आपको कॉल ही नहीं आएगी ऑर्गेनाइजेशन से और ईमेल ही नहीं आएगी, देन आप इंटरव्यू भी नहीं दे सकेंगे, एंड जो आपका आगे के स्टेप्स हैं आप वो ही नहीं अचीव कर सकेंगे. सो टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द सेकेंड स्टेप, जिसका मैंने सबसे बड़ा सर्कल बनाया है, दैट इज़ प्रिपेयरिंग दैट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट और द पीस ऑफ पेपर जिसको हम सीवी कहते हैं. ठीक है, द सी वी का जो मेन पर्पज़ और मेन इंटेंशन इज़ टू यू नो टू गेट योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द कंपनी, और टू गेट अ रिस्पॉन्स फॉर द कंपनी, और टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, ये मेन पर्पज़ होता है किसी भी रिव्यू इंटरव्यू. येस, सी वी का जो है मेरे नज़र में ये एक मेन पर्पज़ होता है. इफ़ यू थिंक अदरवाइज यू कैन लेट मी नो इन द चैट एज वेल. सो आप फिज़िकली तो प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि आजकल आप डिलीवर नहीं कर रहे होते सीवी, ऑफिस जाके खुद नहीं दे रहे होते, यू जस्ट ईमेल योर सीवी. सो फिज़िकली आप नहीं होते, एक्चुअली आपकी सीवी जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट.
हमने ये समझ लिया कि क्या स्टेप होते हैं एंड हाउ इम्पोर्टेंट द सीवी इज़, जो आपका पार्ट प्ले कर रही होती है इन गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू और गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. सो डज एनीवन नो एनी आइडिया कि यूजली एचआर और एम्प्लॉयर जो है कितना टाइम लेते हैं एक सीवी को रिव्यू करने के लिए? किसी को कुछ आइडिया है? मे बी अप्रॉक्सीमेटली या रफली कोई. Someone said 20 second. Yes. Yes, exactly. It's pretty much 20 seconds. So on average, an HR takes around 10 to 15 seconds per CV. ठीक है. ये vary करता है from organization to organization, लेकिन ये average ये हमें जो है stats मिलते हैं from employers के 10 to 15 seconds they spend on a CV. एंड इफ़ कोई आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, देन आई थिंक ये टाइम जो है वो और कम हो जाता है. इट गोज़ टू 5 to 7 seconds. ठीक है. एंड ऑन द राइट यू कैन सी अ सिंपल मीम. और यूजली ऐसे ही हो रहा होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ सी वी कि वो बस एक नज़र देखते हैं देन दे जस्ट रिजेक्टेड. तो ये जो 10 to 15 second का टाइम स्पेन है, सो इन दिस टाइम स्पेन यूजली द एच आर मेक द जजमेंट के वेदर टू इन्वाइट दैट कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू और नॉट. ठीक है. सो ये इट्स सॉर्ट ऑफ अ मेक इट और ब्रेक इट वाले सिचुएशन हो जाती है. दैट सिंगल पीस ऑफ पेपर, ठीक है, नॉट यू, आपके स्किल्स नहीं, आपके जो हैं आप किस तरह जो हैं आप किस तरह आपकी अपीयरेंस है या किस तरह आप बात करते हैं वो कुछ मैटर नहीं करता. दैट सिंगल पीस ऑफ पेपर जो आप बनाते हैं, और कुछ लोग जो हैं बस 5 मिनट में उसको बना के जो हैं छोड़ देते हैं, ठीक है, दैट एक्चुअली जो है मेक श्योर कि आप जो हैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर सीवी शुड स्टैंड आउट. ठीक है. इट शुड बी अप टू डेट, इट शुड बी इन एक्सीलेंट कंडीशन. ठीक है. एंड इट शुड एक्चुअली बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सीवीज, बिकॉज वी नो कि हर कंपनी में बिकॉज देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन इन द मार्केट कि हर कंपनी में रफली अराउंड एक पोजिशन पे 50 to 60 एप्लीकेशन तो आई जाते हैं. ठीक है. और ये मैं सिर्फ मिड साइज कंपनी की बात कर रही हूँ. तो जो बड़ी कंपनीज हैं एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू वर्क फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें तो आई थिंक आराम से 100 to 200 आ जाते होंगे. राइट. सो वी टॉक्ड अबाउट कि हाउ पावरफुल दिस वन पीस ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ एंड इट कैन ओपन डोर्स ऑफ एवेन्यू फॉर यू. And it is actually the first interaction between you and the organization. ठीक है. Let me check the chat. ठीक है. अच्छा, लोगों के डिफरेंट हैं कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड योर रिज्यूमे इज. आई थिंक एक्सपीरियंस देखते हैं फर्स्टली. येस, एक्सपीरियंस देखते हैं. अभी हम इस पर भी आते हैं कि क्या क्या देख रहे होते हैं. एक्सपीरियंस भी देखते हैं एंड एक्सपीरियंस के साथ और भी चीज़ें देख रहे होते हैं. ठीक है. सिंस आई एम नाउ पार्ट ऑफ दिस हायरिंग प्रोसेस, ठीक है, मैंने टेक करो के लिए भी बहुत हायरिंग्स किए हैं एंड कुछ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए हैं. सो मैं अपनी भी बताऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें देख रही होती हूँ व्हेन आई चेक ईमेल या सॉरी ईमेल फ्रॉम अ कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं या वो अपनी सीवी सेंड कर रहे होते हैं, तो उसमें मैं क्या क्या देख रही होती हूँ. ठीक है. सो वी नाउ न्यू नो कि ये जो सीवी हम बनाते हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना क्रूशल स्टेप है. ठीक है. नाउ आई एम अ बिट क्यूरियस टू नो कि अगर किसी को पता है कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड अ रेज्यूमे. ठीक है. इस सेशन का भी नाम है कि हाउ टू राइट अस हाउ टू राइट सीवी स्लैश रेज्यूमे. सो डज एनी वन नो कि इसमें एक्चुअली में डिफरेंस है क्या? अच्छा, समवन हैज़ आस्क्ड के डू कंपनीज डायरेक्टली रिजेक्ट आर सी वी बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डेटा और डू और दे इन्फॉर्म अस टू कम्प्लीटेड. नो, दे विल नेवर इन्फॉर्म अस टू कम्प्लीटेड. वो कभी भी आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे कि आपने इनकम्प्लीट सी वी है बिकॉज दे हैव डजन्स ऑफ सी वी कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है. दे उनको कुछ इनकम्प्लीट लगता है वो उसको साइड में रखते हैं, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है. सो
आपको खुद ये मेक श्योर करना है कि आपकी सीवी जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है? समवन सेड दैट सीवी इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, रेज्यूमे जिसमें 0 to 5 years एक्सपीरियंस होता है एंड सीवी जिसमें, ठीक है? अच्छा ठीक है, सो प्रिटी गुड आंसर्स इन द चैट, ऑलमोस्ट ज़्यादातर के जो हैं सही आंसर्स हैं, ठीक है? सो सी वी जिसको हम करिकुलम वाइटे कहते हैं, इट्स टेंड टू बी अ बिट लॉन्गर डिटेल्ड, इट्स लाइक अ स्टोरी, ठीक है? इट्स अ लैटिन वर्ड और ये जो है ये ज़्यादातर वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो बना रहे होते हैं जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है. वेयर एज रेज्यूमे ऑन द अदर हैंड इट्स शॉर्टर देन द सी वी, इट्स यू कैन से दैट इट्स अ समरी ऑफ योर सी वी, इट्स वो सब चीज़ को ना समराइज फॉर्म में कर रहा होता है. एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं या आपकी तरह जिनका एक्सपीरियंस कम है वो रेज्यूमे बना रहे होते हैं. सो आपका रेज्यूमे जो है वो मैक्सिमम एक पेज का होना चाहिए, ठीक है? एंड करिकुलम सॉरी सी वी जो है आपकी वो ज़्यादा हो सकती है, बड़ी हो सकती है, 2 pages की भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन प्लीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप अभी फ्रेश ग्रेड हैं या अभी आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, डोंट गो फॉर सी वी, ठीक है? आपकी एक पेज की ही रेज्यूमे होगी, ठीक है? सो इस वर्ड को जो है वो पाकिस्तान में लोग सौरभ आपको बहुत कम नज़र आएगा कि कोई आपको स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आप रेज्यूमे दें. यूजली पीपल यूज़ द वर्ड सी वी, सो उसका मतलब यही है कि आप जो हैं अगर आप फ्रेश ग्रेड हैं तो आपकी 1 page की होनी चाहिए रेज्यूमे, और अगर आपका ज़्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है देन इट कैन बी सी वी. वी चेक चैट एज वेल. ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जो मैं बात कर रही हूँ, जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नोट्स जो हैं हम मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है, टीम को, DSC टीम को, एंड दे कैन ईमेल यू लेटर जैसे भी अलॉन्ग विद द स्लाइड्स, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू वरी एंड यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू के जब आप CV बनाएंगे तो कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है या अपने माइंड में रखना है, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ओवरऑल CV, ठीक है? तो ओवरऑल CV में ऐसी क्या चीज़ है जिसको आपने जो है माइंड में रखना है या आपने देखना है, या अगर आप गलत करेंगे तो आपकी CV का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज़ द स्ट्रक्चर एंड द अलाइनमेंट. इसको आप इस तरह एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं या समवन एंटर्स फ्रॉम द डोर, तो बिफोर टॉकिंग या बिफोर इंटरैक्टिंग आप उनकी अपीयरेंस से उनको जज कर रहे होते हैं, राइट? कि उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है और किस तरह का नज़र आ रहे हैं, मेसी तो नहीं है, ठीक है? तो आप उनके अपीरियंस से जज कर रहे होते हैं. सिमिलरली वेन एवर द HR और द एम्प्लॉयर ओपन्स योर CV, सो द फर्स्ट थिंग बिफोर इवन रीडिंग द कॉन्टेंट, वो उनको आपके आपकी पूरी CV को वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? द स्ट्रक्चर, द अलाइनमेंट, कलरफुल तो नहीं है, रंग बिरंगी तो नहीं है CV, ठीक है? हाउ क्लीन इट इज़, ठीक है? सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि आपकी जो CV है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए, उसकी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए. एंड बाय द स्ट्रक्चर व्हाट आई मीन इज़ के एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो जितने भी जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, लाइक एक्सपीरियंस लिख रहे हैं या आप एजुकेशन लिख रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज के बारे में लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए. सो डज एनीवन नो कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, ठीक है? एंड सो यू कैन राइट इन द चैट. सो इसका मतलब ये है कि द रीसेंट कम्स फर्स्ट, ठीक है? तो जो भी आपकी रीसेंट चीज़ है उसको आप सबसे पहले लिखें एंड देन आप प्रीवियस चीज़ों के ऊपर जाएं, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनीथिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन लिख रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक 2010, 2015, 2020, आप उसको ऑपोजिट लिखें. 2020 की जो है जो भी आपकी एजुकेशन है उसको सबसे टॉप पे लिखें, देन 2015 लेट्स से, एंड देन 2010. सो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं
एक्सपीरियंस, एजुकेशन, कोर्सेज, जो भी आप डेटा लिख रहे हैं वो सारी के सारी जो है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, आपकी सीवी की अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। सो इफ़ योर हेडिंग्स आर सेंटर अलाइंड, देन ऑल ऑफ योर हेडिंग्स शुड बी सेंटर अलाइंड। इफ़ योर टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड और राइट अलाइंड, देन ऑल ऑफ योर टेक्स्ट शुड बी लेफ्ट और राइट अलाइंड, ठीक है। आपके जो हैं बुलेट्स लिख रहे हैं, इट शुड बी प्रॉपरली अलाइंड, कि अगर आप स्केल रखें ना तो एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड अब तो यू हैव सो मैनी टूल्स कि आपको कुछ भी खुद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपको अलाइन करके दे देता है, ठीक है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड यूज डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। बाय द डिस्क्रिप्शन व्हाट आई मीन इज कि जब आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह बता रहे हुआ करें, ठीक है, रीसेंट फर्स्ट, ऑल राइट, यस, सो यस, डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट आई मीन बाय डिस्क्रिप्शन इज के जब आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप उसमें एक बुलेट ज़रूर ऐड करें एक्सप्लेनिंग कि व्हाट डिड यू डू देयर, या आपने जो काम किया उसका क्या रिजल्ट था, उसका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने इंटर्नशिप की एट लेट्स से एबीसी कंपनी, तो कुछ लोग, ज़्यादातर लोग मोस्टली लिखते हैं कि इंटर्न एट एबीसी कंपनी, दैट्स इट, ठीक है। सो इस अगर आप सिर्फ इतना सा लिखेंगे ना, तो ये आपकी सीवी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। ये बस बता रहे कि आपने इंटर्नशिप की थी, उसमें क्या किया वो पता नहीं चल रहा, ठीक है, आपकी उस एक्सपीरियंस से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें थोड़े से डिस्क्रिप्टर बुलेट्स ऐड करें, ठीक है। एंड बुलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पैराग्राफ्स ना ऐड करें, बिकॉज बुलेट्स जो हैं दे आर वेरी मच ईजियर टू रीड। सो फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं पर इंटर्नशिप की एट ए बी सी कंपनी, तो मैं अपने किस तरह एक्सपीरियंस लिखूँगी कि इंटर्न एट ए बी सी कंपनी, ठीक है। आई कैन ऑल्सो राइट द डेट, और अगर अभी भी चल रही है तो आई कैन राइट ऑन गोइंग इन द ब्रैकेट। आई थिंक समवन्स माइक इज ऑन, ठीक है। एंड देन एज अ डिस्क्रिप्टिव बुलेट आई कैन राइट के डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड, सिंस मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बैकग्राउंड है, तो मैं अपने रिलेटेड एग्जाम्पल सोचूँ कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड न्यू वेबसाइट फॉर द कंपनी, ठीक है। और मैं यूज़ कर सकती हूँ ये सेंटेंस यूज़ कर सकती हूँ, ये क्रिएटेड टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल एट ए बी सी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सिंपल वन लाइन जो सेंटेंस है वो बता रहे हैं कि एक्चुअली में मैंने इंटर्नशिप में क्या किया, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करें इन वर्ड्स, आप बताएं कि आपने किया क्या, या तो आप ये बताएं कि आपने किया क्या, या आप ये बताएं कि क्या आपने जो काम किया उसका कोई इम्पैक्ट था, उसका रिजल्ट था। फॉर इंस्टेंस, मैं टेक ग्रुप में काम करती हूँ, तो आई कैन राइट दैट अंडर माई सुपरविजन 500 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टेक करियर कोर्स, ठीक है। मैं इम्पैक्ट बता रही हूँ कि इसका ये इम्पैक्ट था। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू राइट दीज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एक्शन वर्ब्स यूज़ करें। सो वॉट आर द एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स बेसिकली आपको एक्शन बता रहे होते हैं, ठीक है। सो जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में यूज़ किया था डिज़ाइंड, इम्प्लीमेंटेड, क्रिएटेड, ठीक है, एंड सुपरविजन, ठीक है। एंड देन इस तरह के और भी एक्शन वर्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड, टॉट, ठीक है। आप ये एक्शन वर्ब्स यूज़ करें। मैं जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूँगी उसमें ये लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स हैं आपके पास होंगी, सो यू कैन ईजिली वाइल मेकिंग योर ओन सीवी आप ईजिली उसमें से देख सकते हैं कि कौन से आपके सेंटेंस के साथ जो हैं रेलिवेंट हैं, यू कैन यूज़ दैट। सो द थर्ड इज़ फॉर्मेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हैं अपनी पूरी सीवी में सेम फॉन्ट यूज़ करें, ठीक है। यूजली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एरियल, कैलिब्री, ये यूज़ करें। कॉमिक सेंस वाला फॉन्ट यूज़ ना करें। जितने भी कर्वी फॉन्ट्स होते हैं ना, लैटो या कॉमिक सेंस, वो कर्वी फॉन्ट्स यूज़ ना करें, ठीक है। स्ट्रेट फॉन्ट्स यूज़ करें, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज 11 है, वो यूज़ करें 11, 12, 10, 11, 12 मोस्टली यूज़र होता है तो उसको यूज़ करें। मार्जिन जो हैं वो बहुत
ज़्यादा ना रखें, कम से कम यूज़ करें. आई थिंक CV में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पेस, तो मेक श्योर कि अपनी स्पेस को जो है आप बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, ठीक है. बहुत ज़्यादा स्पेसेस ना हो आपकी CV में. आपके फॉन्ट जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. आप अगर बोल्ड यूज़ करें किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, देन यूज़ बोल्ड, ठीक है. ऐसा ना हो कि आप बोल्ड भी यूज़ करें, इटैलिक भी यूज़ करें, अंडरलाइन भी यूज़ करें. सो ऑन द स्लाइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें यू कैन सी कि मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आई हैव यूज्ड अंडरलाइन, ठीक है. एंड मैंने सारे पॉइंट्स में फिर अंडरलाइन ही यूज़ किया है. ऐसा नहीं है कि कहीं मैंने बोल्ड यूज़ किया है, कहीं मैंने अंडरलाइन यूज़ किया है, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप ये कंसिस्टेंसी करें, ठीक है. एंड फाइनली ये बोनस पॉइंट है, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, दैट यू शुड कस्टमाइज़ योर CV फॉर ईच पोजिशन, ठीक है. आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करें एंड उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करें अपनी CV को. एंड व्हेन आई से कस्टमाइज़ योर CV, आई डू नॉट मीन कि आप कम्प्लीटली अपनी CV को नया बनाएं फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. नो, आप अपनी एक मास्टर CV बनाएं, ठीक है. एंड फॉर इंस्टेंस मुझे दो जगह अप्लाई करना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है, मुझे गूगल में अप्लाई करना है, ठीक है. सो आई हैव अ मास्टर CV विथ मी. मैं गूगल की जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करूँगी एंड लेट्स से गूगल कहता है कि यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑन लाइक यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑन लेट्स से किसी भी गूगल टेक्नोलॉजी पे, ठीक है. लेट्स से फायर बेस पे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको. सो व्हाट विल आई डू कि मैं अपनी मास्टर कॉपी की मास्टर CV की एक कॉपी बनाऊंगी एंड जहाँ पे मैं अपने स्किल्स मेंशन कर रही हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं इस फायर बेस ज़रूर मेंशन करूँ, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको फायर बेस आना चाहिए, ऐसे ही आप मेंशन ना करते हैं, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं मेंशन करूँ. एंड सिमिलरली अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करूँ एंड दे आस्क मी कि आपको MS ऑफिस या MS एक्सेल आना चाहिए और मैंने नहीं लिखा अपनी CV में, तो आई विल कस्टमाइज दैट CV एंड आई विल मेक श्योर कि मैं वो वाले टर्म्स या वो वाली टेक्नोलॉजी ज़रूर ऐड करूँ जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगी है. सो बहुत मेजर चेंजेस नहीं करनी होती कस्टमाइजेशन में, जस्ट माइनर माइनर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं. सो दीज आर द फ्यू होलिस्टिक आई वुड से के पॉइंट्स हैं ओवरऑल CV के जो आपको माइंड में रखने चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग अ CV, ठीक है. फॉन्ट 12, आई वुड से कि 12 का साइज आप हेडिंग के नहीं रख लें. मुझे जो है पर्सनली छोटा फॉन्ट ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है. तो 12 आप हेडिंग के लिए कर लें एंड देन एक उससे छोटा फॉन्ट जो है ना आप टेक्स्ट के लिए कर लें, 11 आप टेक्स्ट के लिए कर लें. कैन वी राइट अचीवमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल? येस यू कैन. आई थिंक टेबल जो है ना इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ द स्पेस इफेक्टिवली. तो मैं तो अपनी CVs में टेबल ज़रूर यूज़ करती हूँ. एंड टिप उसकी ये है कि जब आप टेबल यूज़ कर लेना, सो उसके बाद आप उसके बॉर्डर्स को ज़ीरो करते हैं, ठीक है. सो किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने टेबल यूज़ की है एंड आपका जो है प्रॉपर से आपकी अचीवमेंट जो है ग्रिड फॉर्म में भी आ जाएंगी. सो अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से करेंगे, लेकिन आई थिंक बेस्ट वे जो जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं स्पेशली अगर आप उसको गौर से देखें तो वो ज़्यादातर जो है टेबल्स पे बने हुए होते हैं, उसका फिर बॉर्डर जो है वो उसको ज़ीरो कर देते हैं. सो आई थिंक टेबल्स आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. देखिए समवन आस्क कि क्या हम अपने पसंद के फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, कि आई वुड से कि प्लीज़ आप सिर्फ ये तीन फॉन्ट्स पे फोकस करें, एरियल, कैलिब्री, न्यू टाइम्स रोमन. आप बहुत सारे और इसके अलावा फॉन्ट्स ना यूज़ करें. मैंने ये कहा है कि आप जो अभी न्यू फॉन्ट्स आ रहे हैं, जो कर्वी फॉन्ट्स हैं वो यूज़ ना करें, स्ट्रेट फॉन्ट्स यूज़ करें, ठीक है. आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द चैट, ठीक है. अच्छा, सिंस आप लोग जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मैंने पॉइंट्स आप लोगों के लिए ऐड किए हैं कि देर आर थ्री मेन थिंग्स जो कंपनीज यूजुअली देख रहे होते हैं व्हेन दे हायर और व्हेन दे ओपन अ पोजीशन फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है. तो जब भी मेरे पास कोई फ्रेश ग्रेजुएट की CV आती है तो मैं ये तीन चीज़ें ज़रूर देखती हूँ, ठीक है. एक्सपीरियंस नहीं देखती, फर्स्ट टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी व्हेन हायरिंग फॉर फ्रेश ग्रेड, ठीक है. नंबर वन इज़ एजुकेशन एंड नंबर टू इज़ स्किल्स, ठीक है. तो पहले हम एजुकेशन पे देख लेते हैं
कि एजुकेशन, आप जब भी अपनी सीवी करें लिखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी एजुकेशन मेंशन करें. एजुकेशन में यू हैव टू मेंशन योर डिग्री, ठीक है, एंड किस टाइम पे आपने इस डिग्री से ग्रेजुएट हुए उसको आप मंथ ईयर में लिखें. डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एग्जैक्टली लिखें 28 सितंबर 2020, ठीक है, जस्ट मंथ एंड ईयर आर फाइन, ठीक है. और अगर आपकी कोई ऑन गोइंग एजुकेशन चल रही है, लाइक यू आर करंटली डूइंग मास्टर्स और बैचलर्स, आप उसको भी मेंशन करें, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी एजुकेशन लिख रही हूँगी, आई वुड राइट के बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एनआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एंड देन उसके नीचे आई विल राइट माई CGPA, या मैं ब्रैकेट में CGPA लिख दूंगी. सो बस ये तीन चीज़ें लिखूंगी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है. मुझे सब्जेक्ट्स लिखने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि मैं लिख रही हूँ कि बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है. किसी ने बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी में किया है तो वो लिखे, ठीक है. साइंस कोई और सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में किया है तो वो लिखे, ठीक है. आपको बहुत सारी डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेजर चीज़ें लिखें. अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है किसी एजुकेशन में, राइट, कोई आपने कोई बहुत ही कोई कोई आपको अवार्ड मिला है, देन यू कैन मेंशन दैट अंडर योर एजुकेशन. फॉर इंस्टेंस, किसी ने जो है फर्स्ट पोजीशन ली है इन इंटरमीडिएट, तो दे कैन राइट दैट इंटरमीडिएट इन साइंस, एंड देन आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि गॉट फर्स्ट पोजीशन, या फर्स्ट पोजीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है. उसको आप मेंशन कर सकते हैं. ग्रेड्स का एक आई थिंक बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेड्स लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं तो यू शुड मेंशन देम. अगर आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं तो यू कैन लीव इट आउट, अनलेस आपसे मांगे ना गए हों, ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस, मेरी GPA अच्छी थी, सो आई वुड राइट के 3.89 GPA, ठीक है. अगर आपकी GPA अच्छे नहीं है तो आप उसको छोड़ते हैं, आप नहीं लिखे, ठीक है. लेकिन अगर किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ हुआ है कि ओनली स्टूडेंट्स अबव 3 GPA शुड अप्लाई, देन क्योंकि वो मेंशन है जॉब डिस्क्रिप्शन में, देन यू शुड मेंशन योर GPA, वरना आपकी CV जो है रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा कि आपकी CGPA कितनी थी, ठीक है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इसके अलावा एजुकेशन में शॉर्ट कोर्सेज भी आते हैं, ठीक है. एंड इफ़ यू नोटिस, मैंने शॉर्ट कोर्सेज पे ऊपर 3 स्टेरिक लगाए हुए हैं, ठीक है. एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टेरिक इज दैट क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 16 ईयर्स की एजुकेशन है, 15-16 ईयर्स की एजुकेशन है, और बहुत सारे लोग बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, ठीक है. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सारे शॉर्ट कोर्सेज ऐड करें. आई रिसेंटली गॉट अ CV जिन्होंने 10 अपने शॉर्ट कोर्सेज CV में मेंशन किए हुए थे, और वो एक पेज में सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज थे, छोटा 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 करके, ठीक है. तो आप सिर्फ रेलिवेंट शॉर्ट कोर्सेज ऐड कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 शॉर्ट कोर्सेज, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक या दो, ठीक है. सो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड शॉर्ट कोर्स ऐड करें. अगर कहीं पे वेब डेवलपमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं तो उससे रिलेटेड शॉर्ट कोर्सेज ऐड करें. अगर कहीं पे पावर पॉइंट और इस तरह के रिक्वायर्ड है तो आप उस तरह के ऐड करें, इसके अलावा आप ना ऐड करें, ठीक है. ठीक है. एंड यस, यू कैन राइट अ परसेंटेज एज वेल इन द CV, ठीक है. आप अपनी परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में यूजली GPAs होती हैं, तो इसलिए मैंने GPA की बात की है, ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्किल्स. आई थिंक स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस तो नहीं होता, लेकिन उनका स्किल्स उनके पास होते हैं जो मैटर करते हैं, ठीक है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप दोनों स्किल्स मेंशन करें, टेक्निकल स्किल्स भी मेंशन करें, एंड देन सॉफ्ट स्किल्स भी मेंशन करें. सो टेक्निकल स्किल्स में अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, तो आप जो हैं यू कैन मेंशन लाइक जावा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, JavaScript, HTML, CSS and so on, ठीक है. अगर आप नॉन टेकी हैं तो यू कैन राइट जो भी आपकी अपनी रेलिवेंट स्किल्स हैं, ठीक है. उसके साथ यू कैन ऑल्सो राइट दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ डू नॉट राइट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन योर CV, बिकॉज वो
ऑब्वियस है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं तो आपको एटलीस्ट ये तो आती ही होंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये वाले अपने जो हैं टेक्निकल स्किल्स में लिखें, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट एज टेक्निकल स्किल्स, आप कभी भी सॉफ्ट स्किल्स वाले सेक्शन को नहीं जो है मिस करिएगा, ठीक है। सो सॉफ्ट स्किल्स में यू टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, लीडरशिप स्किल्स आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, ठीक है, टीम बिल्डिंग आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये टर्म्स यूज़ करेंगे एज सॉफ्ट स्किल्स तो प्रॉब्ली जो CV रिव्यू कर रहे हैं उनको यकीन नहीं आएगा कि अच्छा आप वाकई में लीडरशिप आपके पास स्किल्स हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर स्किल के साथ मे बी आप सिर्फ दो स्किल्स लिखें उसमें, लीडरशिप और टीम बिल्डिंग, लेकिन उसके साथ आप एग्जाम्पल्स लिखें, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करें एंड एग्जाम्पल आप किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि मे बी आपने स्कूल लाइफ में कोई या आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट, टीम प्रोजेक्ट में काम किया, तो आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मे बी आपने यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट अरेंज किया, लाइक यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये इवेंट अरेंज किया, सो यू कैन राइट अबाउट दैट। अगर आपने इंटर्नशिप में कोई काम किया है जिसमें आपने लीडरशिप स्किल्स की हैं तो यू कैन राइट अबाउट दैट, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसके बारे में लिख सकते हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ पॉइंट्स ना लिखेंगे कि लीडरशिप स्किल्स हैं या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, यू हैव टू गिव रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एज वेल, ठीक है। दैट मे बी यू कैन राइट अंडर टीम बिल्डिंग में आप ये लीडरशिप में लिख सकते हैं कि आई लीडेड अ टीम ऑफ 5 पीपल इन माई यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरह के आप सेंटेंसेस में आप बुलेट पॉइंट में एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू एड करेगा एज़ कम्पेयर टू जस्ट राइटिंग द स्किल्स नेम, ठीक है। एंड फाइनली एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू शुड राइट दैट एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, आई थिंक वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऑफ़न लोग निगलेक्ट कर देते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक वॉलंटियर एक्सपीरियंस से आपको बहुत चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं, लाइक मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो अगर आपके पास है तो आप उसको ज़रूर ऐड करें अपनी CV में। ये जो मैं डॉक्यूमेंट का आपको बात कर रही थी, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट का लिंक भी यहाँ पे लगाया है, ठीक है। सो अमल एकेडमी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन करियर काउंसलिंग, और वो करियर कोचिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। सो विद देम वी क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट फॉर आर टेक करियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्रॉपर एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको एग्जाम्पल्स के साथ हर चीज़ मिलेगी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड यू कैन रीड दिस डॉक्यूमेंट। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसपे हमने आज डिस्कशन की है, फॉर्मेटिंग वगैरह जो अभी हमने पॉइंट्स देखे हैं, एंड हियर यू कैन ऑल्सो सी फ्यू ऑफ द टेम्पलेट्स, ठीक है। आई वुडंट से कि ये बेस्ट टेम्पलेट है, ठीक है, मेरे लिए कोई बेस्ट टेम्पलेट नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा टेम्पलेट आपको गूगल डॉक पे भी मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, जो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, वो कलरफुल ना हो, उसे फॉर्मेटिंग ठीक हो, जिस तरह यहाँ पे आप देखें कि अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी CV अगर ये सारी चीज़ों को फुलफ़िल करिए तो आई थिंक इट्स गुड टू गो, फिर वो आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लें। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में वी हैव गिवन यू सम टेम्पलेट्स फॉर टेक्निकल jobs, for non-technical jobs, अगर आप research job करना चाहते हैं तो you can find that as well. Then I told you about action verbs, तो यहाँ पर list पूरी action verbs की है जो आप use कर सकते हैं। I think ये बहुत important है, ये वाला जो I think link है ना, you should go through this link, because यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको मिलेंगे, लाइक फॉर कम्युनिकेशन कुछ वर्ड्स हैं, टेक्निकल के लिए कुछ वर्ड्स हैं, टीचिंग अगर आप करते हैं उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको गिवन है, सो ये मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगी, यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल। अच्छा, कुछ अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो किसी ने CV अपनी सेंड किया फॉर इंटर्नशिप, आई होप यू गेट सिलेक्टेड। लैंग्वेजेस इंक्लूड करने चाहिए किस के स्किल में? अगर आप
अगर आप जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यस करने चाहिए। अगर आप नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेज की बात करें और उस कम्युनिकेशन लैंग्वेज में इंग्लिश एंड उर्दू के अलावा कोई आपको लैंग्वेज आती है, लाइक फ्रेंच आती है, ठीक है, लाइक यू कैन से चाइनीज़ आती है आपको, तो आप ये वाली लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इंग्लिश एंड उर्दू ऐड करना है तो वो ऐड ना करें, बिकॉज़ वो कॉमन सेंस है कि आप अगर ग्रेजुएट हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी से तो आपको इंग्लिश आती होगी, आपको उर्दू भी आती ही होगी, ठीक है। किसी ने यहाँ पे पर्पल में कोई मैसेज लिखा है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वॉट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्सेप्ट एक्सपीरियंस दैट द इंटरव्यू सी इन द रेज्यूमे। ठीक है, अच्छा, एक्सपीरियंस के अलावा आपके स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्किल्स, जिस तरह मैंने कहा, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बोथ टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। अगर मेरे पास दो स्टूडेंट्स की सीवी आती हैं, एक दोनों के पास जो हैं वो टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, लेकिन एक ने जो है एक्स्ट्रा करिकुलर में भी काम किया हुआ है, एक ने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, या किसी ने उसने टीम लीड की है कोई, सो आई वुड सिलेक्ट दैट सेकेंड पर्सन जिसने एक्स्ट्रा करिकुलर काम किया है। सो बहुत ज़रूरी है कि अपने सॉफ्ट स्किल्स भी ऐड करें, ठीक है। मैम, विल वी ऐड, कोई ज़रूरत नहीं है डेट ऑफ बर्थ ऐड करने की, अनटिल एंड अनलेस आपसे पूछी ना गई हो, ठीक है। सो फॉर सम जॉब एप्लीकेशंस वहाँ पे होता है एज दी भी होती है कि ओनली कैंडिडेट्स विद इन 15 to 20 ईयर्स, या बहुत कम एज बता रही हूँ, 20 to 30 ईयर्स लेट्स से, कैन अप्लाई। देन इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू सॉरी ऐड योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करें, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके स्किल्स जो हैं दैट मैटर्स, आपकी एज, आपका जेंडर, आप किस तरह से नज़र आते हैं, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। लिंक चैट में भी मैं ड्रॉप कर देती हूँ, गुड आइडिया, जिसको अभी देखना है वो देख भी सकते हैं। सो नॉट दिस वन, ठीक है। सो दो चीज़ें मैं आपको चैट में दे रही हूँ, ठीक है। दिस फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ द डॉक्यूमेंट दैट आई शेयर्ड, एंड द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज़, ये भी मैंने टेक करो के स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे कि आप किस तरह आपकी सीवी जो है स्टैंड आउट कर सकती है, और आप इंटरव्यू में किस तरह से जो है स्टैंड आउट कर सकते हैं। सो आई एम सेंडिंग बोथ द लिंक्स, ये इंटरव्यू वाला भी, ठीक है। सो ये मैंने दोनों लिंक्स जो हैं इसमें भी लगा दी हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एंड देन यू कैन सी फ्रॉम द लिंक जो मैंने अभी शेयर किए हैं, ठीक है। सो इसके अलावा कुछ, देर आर फ्यू अदर टिप्स जो अगर आप करेंगे तो बेहतर है आपके लिए, नहीं करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। सो दीज आर सम एडिशनल पॉइंट्स, बोनस पॉइंट। सो वन ऑफ द थिंग इज़ कि लोग पूछते हैं कि हॉबी ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई थिंक यू शुड ऐड हॉबी, इट गिव्स मोर ऑफ पर्सनल फील, ठीक है। लेकिन हॉबीज़ भी ऐसी नहीं कि आप 10 12 ऐड कर दें, जस्ट वन और टू जो आपको लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो यू शुड राइट दैट पेंटिंग का शौक है, इट शोज़ कि आप क्रिएटिव हैं, ठीक है। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो यू शुड राइट कि आपको रीडिंग का शौक है, इट शोज़ दैट आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पावर ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ यू लाइक टू सोशलाइज एंड विजिट इवेंट्स, ठीक है, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आपको अटेंड करना अच्छा लगता है, सो यू शुड मेंशन दैट, क्योंकि वो बताएगा कि आप जो हैं सोशल हैं, यू लाइक इंटरेक्शन, ठीक है, आप टीम में ज़्यादा फिट हो सकते हैं। तो हर चीज़ का कोई ना कोई एक यू नो मीनिंग बिहाइंड होता है, तो अगर आप हॉबीज़ ऐड करते हैं तो हम वो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है आपके सीवी में, कभी भी नेगेटिव नहीं लेके आता, ठीक है। इवन आप गेमिंग करते हैं ना, गेमिंग का अगर शौक है तो वो भी आपकी सीवी में नेगेटिव नहीं लेके आएगा, वो भी पॉजिटिव ही लेके आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स। सेकेंड इज़ के यूज़ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस। आई हैव सीन के जो आपने बचपन में ईमेल एड्रेस बनाए होते हैं, प्रिंसेस डॉट समथिंग एट द रेट gmail.com, या कूल किड एट द रेट gmail.com, ठीक है, लोग अभी भी वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो डोंट यूज़ दैट, ठीक है, यूज़ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। यूजली जो ईमेल एड्रेस होते हैं, दैट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तूबा मोहसिन एट द रेट gmail.com, और यू कैन राइट टी मोहसिन एट द रेट
gmail.com और tubam@gmail.com. सो इस तरह ये जो होते हैं ये दे आर कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस. ठीक है, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल आप ऐड कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सीवी में नहीं लिख सकते हैं वो आपको लिंक्डइन पे आप देख सकते हैं. लाइक जिस तरह मैंने अगर कोई टॉक दी है, मैं सेशन कर रही हूँ, तो ये मैं अपनी सीवी में नहीं लिखूंगी, लेकिन मैं ये लिंक्डइन पे लगा सकती हूँ. ठीक है, तो ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो लिंक्डइन पे देख लेते हैं. ठीक है, कस्टमाइज़ करें अपनी सीवी को वेन एवर यू अप्लाई, ताकि इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड रेजनेट विद द जॉब डिस्क्रिप्शन जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड की है. ठीक है, एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग जो हैं वो रेफरेंसेस लगा रहे होते हैं. बहुत सारे लोग जो हैं तीन तीन दो दो रेफरेंसेस लगा रहे होते हैं. सॉरी, बट आई थिंक रेफरेंसेस, अगर वाकई में किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफरेंसेस चाहिए होते हैं ना, तो वो जब आपका इंटरव्यू हो जाता है वो उसके बाद आपसे रेफरेंस खुद पूछ लेंगे. ठीक है, सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेफरेंस लगाएं अपनी सीवी में, अनलेस एंड अनटिल आपको लगता है कि ये रेफरेंस जो है ना बहुत स्ट्रांग है और ये मेरी हेल्प करेगा जॉब लगवाने में. अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को जानते हैं और वो आपका रेफरेंस दे सकते हैं, तो यू शुड ऐड इट. ठीक है, उसके अलावा आई डोंट थिंक रेफरेंसेस आपको ऐड करने चाहिए. ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये टिप नहीं है, इट्स मैंडेटरी कि आप अपनी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ज़रूर करें. अब यू हैव सो मैनी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, देर इज़ वन ऑफ देम जो ग्रामरली है, उसको आप इंस्टॉल करें अपने ब्राउज़र में. वो आपको जो है ग्रामर चेक भी करता है, वो आप स्पेलिंग चेक भी करता है. ठीक है, तो उसको ज़रूर आई हाईली रिकमेंड कि आप ग्रामरली जो है इंस्टॉल करें. ठीक है, देन यू शुड प्रूफ रीड योर सी वी मिनिमम 5 times. ठीक है, ये मिनिमम है, 5 दफ़ा आपने ज़रूर करनी है. उसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशनल से भी प्रूफ रीड करा सकते हैं तो वो भी करा सकते हैं. ठीक है, प्रोफेशनल में इट कैन बी योर टीचर्स, इट कैन बी मी और एनी वन इन द इंडस्ट्री जो सी वीज देखते रहते हैं, आई थिंक उनसे आप रीड कराएं तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप कि ऑलवेज स्टार्ट विथ पॉजिटिव. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है आपके सी वी में, ऐड दैट. अगर कोई भी लग रहा है कि नेगेटिव ला सकती है, तो डू नॉट ऐड दैट, आप जस्ट स्किप करते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी परसेंटेज कम है किसी सब्जेक्ट में, उसको मेंशन ही ना करें. ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसको तो मेंशन ही ना करें. कहीं पे आपने कुछ लैग किया है, डोंट मेंशन इट. ठीक है, एंड अगर ये टिप जो है आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी. सो फॉर इंस्टेंस अगर कोई बोलते हैं कि अपने आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट बताएं अपनी पर्सनैलिटी के, तो आप जब आंसर करें तो डू नॉट यूज़ द वर्ड नेगेटिव, ऑलवेज यूज़ द वर्ड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होता. अगर कुछ जो है ठीक नहीं है, तो इट ऑलवेज इट कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड इट जो है इसको हमेशा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट के हैं. डोंट से नेगेटिव, डोंट यूज़ द वर्ड नेगेटिव. ठीक है, कहीं से आप पूछा भी जाता है, कहीं जॉब एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है कि 3 good things एंड 3 bad things अबाउट योर सेल्फ, अक्सर पूछा जाता है, तो ऑलवेज यूज़ द वर्ड माई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आर. ठीक है, डोंट राइट द वर्ड बैड, डोंट से माई 3 bad things आर. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये नेगेटिव कुछ भी यूज़ ना करें. एंड फाइनली गुड लक बिल्डिंग योर प्रोफाइल्स, योर सी वीज, चाहे आप डॉक्यूमेंट पे प्रोफाइल अपनी सी वी बना रहे हो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना रहे हो. किसी ने भी मेंशन किया था कि दे जस्ट अप्लाइड फॉर एन इंटर्नशिप, सो गुड लक फॉर दैट. सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दीज ट्विटर एंड लिंक्डइन, आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन स्पेशली. ठीक है, तो कभी आपको प्रूफ रीड करानी हो अपनी सी वी, ठीक है, आई एम वेरी ओपन फॉर दैट. तो कोई भी स्टूडेंट मुझे रीच आउट करता है, आई मेक श्योर आई गिव सम अमाउंट ऑफ अ टाइम टू देम, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई और आपको हेल्प चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन बोथ ऑफ दीज एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म. सो लेट मी चेक अगर कोई. Ma'am, meanwhile, we take on the questions. I want everyone to fill the feedback form so that they get the recordings and the YouTube link and all the documents that you have given.
So yeah, we are dropping the feedback form. Please do fill it because certificates recordings would be there. एंड इफ एनी वन हैज एनी क्वेश्चन, आई सॉ कि किसी ने एक दफ़ा हैंड रेज किया था और मैंने नहीं लिया था, सो मे बी वी कैन आस्क द क्वेश्चन राइट नाउ अगर किसी के कोई सवाल है. ठीक है, मैंने छोटा सेशन इसलिए रखा था क्योंकि आई वॉन्ट के लोग सी क्वेश्चंस करें. ठीक है, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा सीखते हैं. अगर किसी ने रिसेंटली अप्लाई किया है और उनको नहीं मिला, उनकी सी वी नहीं सेलेक्ट हुई या कुछ प्रॉब्लम थी, तो दे कैन आस्क मी अबाउट दैट. किसी ने हैंड रेस किया था बट उन्होंने वापस से हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ अबाउट द सेक्शन इन द सी वी रेज्यूमे वो. ओके यस, अबाउट सेक्शन, वट थिंग्स शुड बी मैंशन इन दैट सेक्शन. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, सो थैंक यू जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है. सो जो अबाउट सेक्शन है, लेट मी, जो अबाउट सेक्शन है, आई थिंक उसमें आप सो बहुत ही आपने मेन चीज़ें लिखनी है और उसके अलावा कुछ नहीं लिखा. आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, आपने अपना ईमेल लिखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एंड सिटी लिखें. ठीक है, उसके अलावा आपने कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. देर इज़ नो नीड टू राइट योर कम्प्लीट एड्रेस, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप कम्प्लीट एड्रेस लिखें. आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें सी एन आई सी लिखें. अपनी डेटा को जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, आई वुड से आप प्रोटेक्ट करें. ठीक है, सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें. आपको अपनी मदर नेम, फादर नेम, मदर नेम का सी एन आई सी, फादर नेम, फादर का सी एन आई सी, ये कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये जस्ट फोर थिंग, योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, ई मेल एंड योर सिटी, आई थिंक दे आर मोर देन इनफ. आई वुड पर्सनली से कि आप कोई कलर कॉम्बिनेशन यूज़ ना करें. आप प्लेन ब्लैक एंड वाइट सी वी बनाएं, ठीक है, ब्लैक फॉन्ट यूज़ करें. अगर आपने फिर भी कोई कलर यूज़ करना है तो यूज़ लाइक ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू यूज़ करें जो यहाँ पे टीम्स में आ रहा है. ठीक है, यूज़ डार्क पर्पल, ठीक है, ये प्रोफेशनल कलर्स यूज़ करें. उसके अलावा आप कोई कलर पिंक, रेड, रेड तो कहीं पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, पिंक, ग्रीन, येलो, इस तरह के कलर्स जो हैं आप यूज़ ना करें. एनी ऑनलाइन सीवी मेकर यू वुड लाइक? सो पर्सनली मैंने जो है ज़्यादातर सीवीज आप गूगल डॉक पे देखें. गूगल डॉक्यूमेंट के जो टेम्पलेट्स हैं, आई थिंक बहुत सिंपल प्लेन हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. सो आई थिंक वो एक अच्छा ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं. बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के में भी टेम्पलेट्स होते हैं, उसको यूज़ करें. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो टेम्पलेट्स हैं उसमें बहुत सारे कुछ कलरफुल टेम्पलेट्स भी हैं. सो आई वुड से उनको छोड़ के आप जो सिंपल टेम्पलेट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड कि ऑब्जेक्टिव. ठीक है, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव भी सीवी में ऐड करते हैं. ठीक है, सो कंपलसरी नहीं होता ऑब्जेक्टिव ऐड करना. ऐड करें अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि अगर कोई आप ऑब्जेक्टिव एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लिख रहे हैं, तो जब आप कहीं और सेंड करें अपनी सीवी तो उस ऑब्जेक्टिव को भी मॉडिफाई करें. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यूजली आप जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के लिखते हैं, या तो आप बिल्कुल जेनरिक लिख लें कि आई वुड लाइक टू सीख समथिंग समथिंग, या अगर आप अच्छा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो वो थोड़ा कस्टमाइज्ड होता है. तो उसमें बस एक ये चीज़ है कि आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अप्लाई करें तो अपने आपको ऑब्जेक्टिव चेंज करना होगा फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो बस इसको माइंड में रखिए. मैं पर्सनली ऑब्जेक्टिव नहीं लिखती क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरे एंड पे ज़्यादा एफर्ट होगी कि मैं हर जगह जब अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे मैं एक तो सीवी को कस्टमाइज़ करूँ, साथ में ऑब्जेक्टिव को भी कस्टमाइज़ करूँ, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव यूजली अवॉइड कर रही होती हूँ. बट इफ़ यू लाइक आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस जस्ट मेक श्योर कि वो ऑब्जेक्टिव जो है रेलिवेंट हो. इज़ इट इम्पॉर्टेंट? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, कि पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ ऐड करनी चाहिए. इस ये भी जो है कंपलसरी नहीं है. सो फॉर प्रोफेशन लाइक इंजीनियरिंग या कोई इसी तरह के सिमिलर प्रोफेशन, इसके लिए पिक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किल्स मैटर करते हैं.
ठीक है. सो कभी कभार पिक्चर से बाइस डिसीजन भी आ सकता है, ठीक है. तो मैं पर्सनली जो है रिकमेंड नहीं करती कि आप पिक्चर लगाएं. इट्स अप टू यू, अगर आपको लगानी है, आप कंफर्टेबल हैं अपनी पिक्चर लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं. ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, एटलीस्ट फॉर आर प्रोफेशन. अगर आप कोई मीडिया की से रिलेटेड अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें यस कंपलसरी होता है, हमारे लिए कंपलसरी नहीं है. जो अगर कोई अगर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे किसी ने गिटहब का पूछा है, तो अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें दो चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है. गिटहब का लिंक अगर आपके पास है तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. सेकेंड, अपने प्रोजेक्ट्स की लिंक, ठीक है. तो अगर कोई किसी ने प्रोजेक्ट्स बनाए तो उसकी लिंक आप ऐड करें. कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम करता है तो आप अपनी पोर्टफोलियो की लिंक ऐड करें, बिहांस की लिंक ऐड करें, या जो भी आपकी पोर्टफोलियो है गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है उसकी आप लिंक ऐड करें. तो अपना वर्क जितना आप शो कर सकते हैं उतना शो करें. रेजिडेंशियल एड्रेस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. वो आपके घर केक नहीं भिजवाएंगे या आपके घर मिलने नहीं आएंगे, तो बिल्कुल भी आप रेजिडेंशियल एड्रेस ना लिखें. अपनी जो है अपने प्रिवेसी, अपने डेटा को खुद प्रोटेक्ट करें, ठीक है. तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो ऐड करें. CNIC इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं ऐड करें. आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो सिर्फ आप जो हैं अपनी सिटी मेंशन कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट आप एरिया मेंशन कर लें, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, लाइट कलर भी ठीक है, बस आप देखें कि लुक एंड फील पे अच्छा लग रहा है. एंड देन लाइट कलर भी आप ब्लू के शेड्स में यूज़ करें, ब्लू ब्लू लाइट यूज़ करें. उसके अलावा ग्रे यूज़ कर सकते हैं, पिंक एंड पीच एंड ग्रीन, इस तरह के कलर यूज़ नहीं करें. शुड बी अटैच द लिंक्स टू विद आर अचीवमेंट सर्टिफिकेट दैट वी हैव मेंशन. जी अच्छा, लिंक ऐड करने का बहुत एक, अगर मैं क्विकली स्क्रीन शेयर करूँ, ओके. सो बहुत सारे लोगों ने ये खोला हुआ है. सो फॉर इंस्टेंस मुझे लिंक ऐड करनी है, ये लिंक ऑलरेडी ऐड है, ठीक है. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है ना लिंक ऐसे लगाते हैं. CV का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ऑफ थंब है कि आपने जगह अपनी सेव करनी है, आपने एक पेज में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है. तो बहुत कीमती है आपके लिए स्पेस. सो कुछ लोग ऐसे लिंक लगाते हैं, प्लीज़ सी माई सर्टिफिकेट हेयर, ठीक है. ये बैड अप्रोच है, ये आपकी फजूल में बहुत सारी जगह ले रहा है जिसकी हमें नीड नहीं है. सो प्लीज सी माई सर्टिफिकेट. ठीक है, एंड दे कैन क्लिक इट ओवर हियर. सो दिस इज अ गुड अप्रोच. तो आप जब भी लिंक्स लगाएं तो प्लीज ऐसे लगाएं लिंक्स, या आपको हियर भी लिखने की जरूरत नहीं, आप सर्टिफिकेट के लिए ही पे ही क्लिक कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह आप अपने लिंक्स को ऐड करें. शॉर्टन भी कर सकते हैं आप, बिटली लिंक भी यूज़ कर सकते हैं बस, लेकिन ये वाला जो लिंक का तरीका है ना वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है. बस आप टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट के ऊपर उसको उस पर लिंक अटैच करते हैं. अच्छा, कवर लेटर का पर्पस ये होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि कवर लेटर का पर्पस होता है कि आप जो हैं सारी चीज़ें अपनी CV में नहीं मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आपकी रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें लोग कवर लेटर में लिख रहे होते हैं. तो जो CV में आपने नहीं मेंशन किया अपनी अचीवमेंट्स, रीज़न टू ज्वाइन दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, वो आप कवर लेटर्स में ऐड करें, ठीक है. आई डोंट रियली थिंक गवर्नमेंट जॉब का कोई फॉर्मेट अलग होता है. आप जब गवर्नमेंट जॉब की आ रही होती है तो वो खुद अपना पूरा फॉर्मेट दे रहे होते हैं. सो आई हैवन्ट अप्लाइड पर्सनली इन एनी गवर्नमेंट जॉब, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन उनका जॉब का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सिमिलर यही होता है. CV आई थिंक यही यूज़ हो रही होती है.
So I think I have covered almost every question. मैं बस एक दफ़ा देख रही हूँ कि कोई मैंने मिस नहीं किया हो. ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है, इफ़ वी डू फ्रीलांसिंग व्हाट वुड बी गुड टू मेंशन. यस यस डेफिनेटली, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं सो यू कैन राइट फ्रीलांसिंग अंडर योर एक्सपीरियंस. ठीक है, आप कह सकते हैं कि आई हैव 4 years of experience in freelancing. I have bullet points में, ठीक है. You can mention कि आपने जो है 4 clients के साथ काम किया हुआ है, एंड देन यू कैन राइट योर फाइवर लिंक. ठीक है, आप फाइवर का लिंक दे सकते हैं उसके साथ. हम शॉर्ट कोर्सेस CV में लिख सकते हैं, ये मैंने mention किया था, लेकिन please आप सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो ही लिखें जो relevant हैं. ठीक है, जो relevant नहीं है शॉर्ट कोर्सेज उनको mention ना करें. ऑल राइट, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी थिंग. अगर कोई अभी भी सवाल है सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. यू हैव माई लिंक्डइन, आप उस पर भी पूछ सकते हैं. आई कैन नॉट शेयर द डॉक्स ऑन योर ई मेल. आपको जो है फातिमा ने एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, आप उसको फिल कर दें तो ये टीम आपको खुद ही जो है शेयर कर देंगी सारी चीज़ें. अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया कि विच टाइप ऑफ हॉबीज विल बी एडेड इन द सीवी. सो मैंने कुछ एग्जांपल भी दी थी कि आप सीवी में ऐड कर सकते हैं, रीडिंग ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको बहुत गेमिंग का शौक है लड़कों को तो आप गेमिंग ऐड कर सकते हैं. अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो आप पेंटिंग ऐड कर सकते हैं. एंड ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सीवी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐड करती हैं. ठीक है, तो इसके इनके पीछे एक बिहाइंड मीनिंग है. लाइक पेंटिंग शोज़ के आप क्रिएटिव हैं, रीडिंग शोज़ आपके कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, और भी आप कुछ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं. अच्छा, समवन सेड के मोस्टली हॉबीज मैटर इन द इंटरव्यूज. यस, इंटरव्यूज़ में भी मैटर करते हैं, लेकिन आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट करने में भी मैटर करते हैं. ठीक है, अगर अगर मेरे पास कोई सीवी आती है, ठीक है, तो आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट मेहरान यूनिवर्सिटी के हैं. यस, सो अगर कोई मेहरान यूनिवर्सिटी के, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स की सीवी आई है, दोनों का सेम सेम क्लास से दोनों ग्रेजुएट हुए हैं, दोनों ने सेम कोर्सेज पढ़े हैं, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि सेम क्लास में थे तो सेम क्लास प्रोजेक्ट्स भी थे. किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक ने जो है अपने स्किल्स मेंशन किए हुए हैं, हॉबीज़ मेंशन की हुई हैं. ठीक है, और सिर्फ एक ही को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, ये भी एक रिक्वायरमेंट है. चलो, दोनों को इंटरव्यू करना होता है तो दोनों को हम बुला लें, लेकिन अगर सिर्फ एक ही को इंटरव्यू के लिए बुलाना है देन उसमें फिर आपके चांसेस आते हैं कि अच्छा, जिसने हॉबीज़ लिखी हैं, जिसने जो है स्किल्स मेंशन किए हैं, ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स मेंशन किए हैं, देन उसका वेटेज जो है वो ज़्यादा आ जाता है, एंड देन उसको इन्वाइट किया जाता है, बजाय इसके कि जिसने सिर्फ अपने टेक्निकल एंड पढ़ाई, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर ऐड नहीं किया हुआ एज कम्पेयर टू दैट. अच्छा, सीवी एंड रेज्यूमे का डिफरेंस ये होता है. ठीक है, जो नोट्स मैं आपके शेयर करूँगी ना, उसमें ये सब कुछ मेंशन है, उसमें भी आप रीड कर सकते हैं. सीवी टेंड्स टू बी अ बिट लॉन्गर. ठीक है, वो डिटेल्ड फॉर्मेट में होती है. सीवी लंबी होती है, रेज्यूमे जो छोटी होती है, इट्स अ समरी वर्जन ऑफ द सीवी. आप लोग, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या कम एक्सपीरियंस है, आप लोग हमेशा रेज्यूमे बनाते हैं. ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जिस तरह किसी ने कहा था कि 5 साल के बाद देन आपके पास सीवी होती है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं लिखने के लिए. अभी आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. व्हाट इज़ द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया व्हाइल लुकिंग अ लॉट ऑफ सीवीज. यही एक मैंने चीज़ बताई है जो मैं अभी बता रही थी, कि अगर स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर बहुत सारी सीवीज हैं
ठीक है. सो अगर आपके पास बल्क में सीवी हैं या 50 CVs हैं और आपने सिर्फ 20 का इंटरव्यू करना है, तो पहला सबसे पहले तो आप शॉर्टलिस्ट करते हैं उन सीवीज को जो दिखने में अच्छी लग रही हैं, जो फॉर्मेटिंग में जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है. तो पहली तो फिल्टरिंग हो गई. उसके बाद जो आपके पास सीवीज बचे हैं उसको आप फिर एक नज़र देखते हैं कि ठीक है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड हुई हुई है, क्या उसमें कोई टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी ऐड हुए हैं. अगर टेक्निकल स्किल्स प्रोजेक्ट्स ऐड किए तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, गिटहब की प्रोफाइल ऐड किया तो अच्छा ठीक है गिटहब की प्रोफाइल में किया है, लिंकडिन की प्रोफाइल है तो लिंकडिन की प्रोफाइल में किया है. तो ये वाली सारी चीज़ें देखी जाती हैं. और अगर सबकी सारी चीज़ें सेम हैं, फॉर इंस्टेंस अगर स्टूडेंट्स की यूजली सीवीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, तो उसमें जो एक चीज़ स्टैंड आउट करती है वो आपके सॉफ्ट स्किल्स करती है, वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती है, वो आपकी हॉबीज़ कर रही होती है. अच्छा जी, ये शहजादो गुल हैं. इफ़ वी आर एडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन रेज्यूमे, व्हाट विल रिएक्शन, इट विल बी रिजेक्टेड और इज इट. देखिए, आप ऐड करने के लिए भी आप चीज़ें ऐसी ऐड करें जो इनफॉर्मल ना लगे, फॉर्मल वे में ही ऐड करें. हर चीज़ ऐड करने का फॉर्मल वे भी होता है, इनफॉर्मल वे भी होता है. तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें, आई डोंट नो किसको कह रहे हैं, लेकिन अगर आप हॉबीज़ को ऐड करें तो बहुत नीचे आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ एक हॉबी लिखते हैं, दो हॉबी लिखते हैं, स्पेस भी ज़्यादा नहीं जा रही. और आप लिख सकते हैं कि लाइक टू रीड बुक्स और लाइक टू पेंट, इस तरह से आप कर सकते हैं. या सिर्फ आप पेंटिंग भी लिख रहे हैं तो इट्स इनफ. सॉफ्ट स्किल्स भी आप मेंशन कर रहे हैं तो उसमें आप एक दो लाइन मेंशन करें, उससे ज़्यादा मेंशन ना करें. नो, डोंट यूज़ डाउनलोडेड रेज्यूमे फ्रॉम लिंकडिन. अगर आपने लिंकडिन ही देनी है तो आप लिंकडिन का लिंक डायरेक्टली दे दें, आपको डाउनलोड ना करें, क्योंकि जो लिंकडिन से आप डाउनलोडेड रेज्यूमे करते हैं उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा नहीं होता है, उसमें थोड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड होती है, तो उसको आप यूज़ ना करें. ठीक है, जो थोड़ी सी मेहनत नहीं कर रहा सीवी बनाने में तो वो वहीं पे चांसेस हैं कि आप अर्ली स्टेजेस में ही फिल्टर आउट हो जाते हैं. सो थैंक यू एवरीवन. आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, आप लिंकडिन पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्यूरीज. अगर आपको अपनी सीवी रिव्यू करानी है तो यू कैन सेंड मी योर योर सीवी ऑन द लिंकडिन एंड देन आई विल रिव्यू इट. एक दो और क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ. अच्छा, इज़ इट गुड टू वर्क विद सेम ऑर्गेनाइजेशन 3 to 4 ईयर? ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है इससे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए कि आप वहाँ से जा रहे हैं. तो अगर आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ जो है नहीं हो रही, स्टेगनेंट है, लर्निंग नहीं हो रही, देन आई थिंक इट्स अ गुड रीज़न टू मूव ऑन. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट पे डिफरेंट फ्लेवर आपको मिल रहा है, देन आई थिंक देर इज़ नो रीज़न कि आप उसको स्विच करें. अच्छा, इफ़ यू वॉन्ट मी टू रिव्यू योर सी वी यू कैन सेंड मी ऑन लिंकड इन. मैम आई एम वेरी कैन बी एट पोजिशन ऑफ एकेडेमिक्स इन द सी वी लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डेफिनेटली यू शुड मैंशन दैट एज वेल. बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो अभी भी ओल्ड स्कूल जिनका माइंड सेट है, जो इस बेसिस पे स्टूडेंट्स को रखते हैं कि अगर किसी की बहुत अच्छी परसेंटेज है एकेडमिक्स में, वो फर्स्ट आए सेकंड आए, तो वो उनको हायर कर लेते हैं. सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं. ठीक है, तो अगर आपने वाकई में आपने जो है आप फर्स्ट आए सेकंड आए, देन आई थिंक वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लेके आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं लाएगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आई थिंक आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड आपने कुछ नई नई चीज़ लर्न की होगी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीवीज एंड फॉर योर इंटर्नशिप्स और जॉब्स जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. फातिमा, ओवर टू यू.
Thank you very much, ma'am, for taking out time for us today and sending much appreciation your way, seriously, ma'am. Ma'am Tuba, thank you for being a contributor towards this rewarding session for your participants who look up to you and mentors like you, literally. And yeah, this marks the end of our session. Thank you very much, and Allah Hafiz. Allah Hafiz, thank you so much.